हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम आपके सामने फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 25 अभी लेके आए हुए हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, वह तापमान जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं, ऐसा कौन सा तापमान है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपके जो पैमाने होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। वो आपका है -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -40 जो है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जगह पे समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस आपका 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। नेक्स्ट, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती है, क्यों नहीं पिघलती है बताइए। गांव वगैरह में फ्रिज तो है नहीं, तो बुरादे से ढक के बर्फ को रखा जाता है, तो आखिर वो क्यों नहीं पिघलती, उसका रीजन क्या है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, इसमें बर्फ गलती नहीं है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। नेक्स्ट, वातावरण के भीतर ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। वातावरण के भीतर ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? इसे अभिवाहन कहते हैं, अभिवहन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एडवेक्शन, ठीक है, अभिवहन इंग्लिश में एडवेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? सूर्यास्त हो गया मतलब सूर्य नहीं है, धूप नहीं है, तभी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, तो वो किस कारण होती है? स्थलीय विकिरण के कारण, है ना, स्थलीय विकिरण के कारण हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, दो सिस्टम है उनके जो ऊष्मा का आना जाना है वो किस पे निर्भर करता है? उनके ताप पर। दो बॉडी मेरे पास रखी हुई है, ठीक, इसका ताप मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका 10 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है? जो हमारा टेम्परेचर है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी, तो ये टेम्परेचर हमारा किधर प्रवाह करेगा ऊष्मा का? सेकेंड बॉडी टू फर्स्ट बॉडी, क्यों? क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह कम से ज्यादा की ओर होता है, सॉरी ज्यादा से कम की ओर होता है, यानी फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी, अपने आप को तब तक ये करती रहती है ऊष्मा का स्थानांतरण जब तक कि दोनों का ऊष्मा यानी दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो मद ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है निर्भर करती किस पे? उनके ताप पर, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर से ऊष्मा दूसरे सिस्टम में जाने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट, किसके विस्तार से गर्मियों के दौरान एफिल टावर और लंबा हो जाता है? जो एफिल टावर है आपका, किसके विस्तार के कारण गर्मियों में लंबा हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका तापीय के कारण, ताप के कारण, ठीक है, ताप के कारण जो है एफिल टावर जो है और लंबा हो जाता है। एक ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं उनके बीच में जो गैप दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यता कारण है, ताप अंतरण का मुख्यता कारण क्या है? संवहन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्शन, ठीक है। द्रव और गैसों के बाद ताप अंतरण अगर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है द्रव से गैस में टेम्परेचर के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं? संवहन, कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है।
रीजन क्या है? संवहन। नेक्स्ट, ऊष्मा का कुचालक है, ये लकड़ी क्या है? ऊष्मा की कुचालक है, सबको पता है। नेक्स्ट, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा आपको बताना है कि ठंडा होगा नहीं होगा या फिर जैसा है वैसा रहेगा, बताइए। अगर लकड़ी, ये आपका आइसक्रीम का डिब्बा है, ठीक है, इसमें आप लकड़ी का चम्मच डाल रहे हैं, तो आपको ये बताना है ये तो ठंडा होगा क्योंकि ये आइसक्रीम के अंदर है, ये ऊपरी हिस्सा जो है दूसरा सिरा भी ठंडा हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताइए। तो नहीं होगा ठंडा, ठीक है, ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी जो लकड़ी है वो क्या है? ऊष्मा की कुचालक है, ठंडा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत का काफी अच्छा चालक, यानी सबसे अच्छा चालक विद्युत का आपको पता है ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है? अगर मैंने आपसे कहा कि कोई बॉडी गुड कंडक्टर है, ठीक है, विद्युत का सुचालक है, तो आखिर किसके कारण वो विद्युत का सुचालक बन पा रही है वस्तु? तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जितने ज्यादा होंगे हमारी बॉडी उतनी ज्यादा सुचालक होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसी के कारण हमारी जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता समानता बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, ठीक है। ऊष्मीय चालकता तापमान के साथ घटती है ठोस धातु में, ठीक। अच्छा कुचालक, सबसे बढ़िया कुचालक अगर पूछा जाए तो ये आपका कांच ऑप्शन था, तो कांच यहाँ पे सबसे अच्छा कुचालक कांच है, सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई सिविल 2018 में आया हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि, आपको पता है गर्मियों में किस कलर के हमें कपड़े पहनने चाहिए? लाइट कलर के। क्यों? क्योंकि डार्क कलर यानी ब्लैक कलर जो है हमारा वो ऊष्मा का अवशोषण अधिक करता है, ठीक है, और जो वाइट है वो ऊष्मा का उत्सर्जन ज्यादा करता है, ठीक है। तो वो ऊष्मा का अवशोषण करेगा नहीं तो हमें गर्मी नहीं ज्यादा लगेगी हल्के कपड़ों में, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन हमारा है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्यों? क्यों जाड़े में गर्म रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है। अभी मैंने आपसे बताया कुचालक है मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगा, तो जो हमने स्वेटर पहना वो स्वेटर गर्म नहीं है, ऊन जो है हमारी वो ऊष्मा की कुचालक है, तो ये अपने अंदर ना हीट आने देगी, बाहर से आने भी नहीं देगी और अंदर से जाने भी नहीं देगी, तो जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसके कारण अंदर जो गर्मी बनी है वो उतनी ही बनी रहेगी और हमें गर्म लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के अंदर का रंग होता है, सॉरी, सौर कुकर के अंदर का रंग होता है, जो आपका कुकर है सौर वाला, ठीक है, सोलर कुकर जो होता है उसके अंदर का कलर कैसा होता है? काला होता है, सिंपल, ऊष्मा का अवशोषक कलर ज्यादा होगा तो जल्दी खाना पकेगा, इसलिए। नेक्स्ट, वह तापमान कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है, तो वो दाब कौन सा होता है, वो पॉइंट कौन सा होता है, तापमान उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको पता है ना बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई सॉलिड वस्तु, सॉलिड बॉडी वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर लिक्विड में चेंज हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, गलनांक बोला जाता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? जल वाष्प
पानी में बदल जा रहा है, तो जल वाष्प पानी में बदलता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, जल वाष्प का पानी में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, और पानी का वाष्प में बदलना, यानी पानी का वाष्प में अगर बदलेगा तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं, उल्टी प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट, जिस तापमान पर तरल अपनी अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है, कहाँ? तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रही, तो इसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, पानी का क्वथनांक है। अब यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में और कैल्विन, तीनों के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है जो आपका पानी का क्वथनांक होता है, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और फ़ारेनहाइट में अगर हम आपसे बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और कैल्विन की अगर बात करेंगे तो 373 कैल्विन हो जाएगा। ठीक, ये तीनों आपको याद रखने, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, कैल्विन में, तीनों में आपको याद रखना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कैल्विन, 373 कैल्विन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, 2 बार ये क्वेश्चन आया है, 3 बार एक्चुअली आया है। पहली बार में 2018 ग्रुप डी में आया, एनटीपीसी 2016 में आया है, और एक बार आपका आरआरबी एसएससी 2014 में आया हुआ है। ठीक है, यानी 2 साल के गैप पे आता रहता है। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा रहता है, किसके कारण? जो आपका घड़ा होता है ना, उसमें पानी ठंडा रहता है, क्यों? वाष्पन के कारण। क्यों? वाष्पन के कारण। रीजन क्या है? वाष्पन के कारण, इवोपरेशन, क्योंकि उसके खड़े में जो मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके कारण पानी का वाष्पन होता रहता है, इसलिए घड़ा का जो ऊपरी परत है देखेंगे आप हमेशा गीला रहता है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पन के कारण ये गीला रह रहा है, इस कारण पानी हमेशा आपका ठंडा रहता है। ठीक, तो प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पन के कारण, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इवेपुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर सिद्धांत पर काम करता है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये भी वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इवेपोरेशन। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, तो ये सब मैक्सिमम होती है, अधिकतम। ठीक है, जो आपकी यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब व आयतन का गुणनफल यानी पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा का योगफल यानी पीवी प्लस डेल्टा यू, ये किसके बराबर होता है बताइए? एंथैल्पी के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा एच जिसे हम एंथैल्पी बोल रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा? एंथैल्पी के बराबर। सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं रह गई, एंथैल्पी के बराबर होता है। अच्छा, ठीक है, पीवी प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू आपका डेल्टा एच के बराबर है। ठीक है, ये याद रखिएगा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट, ऊष्मा से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं, ऊष्मागति की सिंपल है ना, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स।
एक और क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी के किस नियम को, किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, नियम को जानते हैं, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मागतिकी के किस नियम को कहा जाता है? तो ये प्रथम नियम है, ठीक है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं किसे? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एसएसई 2014 में आया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मागतिकी नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। हमें जो एंट्रोपी मैंने आपसे भी बोली थी, एंट्रोपी, ये 27 क्वेश्चन, एंट्रोपी ऊष्मागतिकी के किस नियम से परिभाषित की जाती है? ऊष्मागतिकी के किस नियम से परिभाषित की जाती है? परिभाषित किया जाता है, तो एंट्रोपी जो है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से परिभाषित की जाती है, ठीक है? सेकेंड नियम, सेकेंड लॉ। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, दूसरे नियम से आपको क्या मिलता है? एंट्रोपी मिलती है, ठीक है? और एंट्रोपी की जो यूनिट होती है ये होती है आपकी जूल पर कैल्विन, ठीक है? एंट्रोपी की यूनिट जूल पर कैल्विन होती है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जब बर्फ बनती है, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घटती है या बढ़ती है? तो जल की एंट्रोपी क्या होगी ये आपको बताना है। तो जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी आपकी घट जाती है, ठीक है? जल की एंट्रोपी घट जाती है। तो एंट्रोपी के ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी हमें थर्मोडाइनमिक्स के सेकेंड लॉ से मिलता है, उसकी डिफिनेशन, उसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कैल्विन। जब बर्फ बनता है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है, घट जाती है। ये आपके आज के 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।